बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरनेम के अपमान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली सजा की, जिसने देश का पॉलिटिकल पारा भी हाई कर दिया है। सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के बयान को मानहानि मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई, तो कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद के जरिए डराने का आरोप लगा दिया। इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए गए। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वहीं बीजेपी ने अपमान पर कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। लेकिन राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाएगी या नहीं। और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये निर्णय। मुझे पता नहीं राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था। इस शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते मोदी सरनेम पर ही अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई तो कांग्रेसी मायूस हो गए। इस फैसले से राहुल गांधी की किरकिरी हुई और इसी के साथ साथ उनकी संसद सदस्यता पर भी खतरा पैदा हो गया। अब राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा उन्हें कितनी भारी पड़ सकती है, ये समझाने से पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ और राहुल गांधी को मिली सजा के बाद देश का पॉलिटिकल पारा कितना हाई। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का अपमान करने वाला बयान दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में याचिका दाखिल की थी। कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव में श्रीमान राहुल गांधी गए थे, बेंगलुरु से 100 किलोमीटर कोलार में उनकी जनसभा थी। उन जनसभा में उन्होंने बताया और भी धुंधो कितने मोदी निकलेंगे। उस अनुसंधान में हमने यहाँ कोर्ट में जो बदनक्षी है फरियाद की। इसी बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी, साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, जबकि अभियोग पक्ष ने कहा राहुल गांधी सांसद हैं, यानी कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल की बात से किसी को हानि नहीं हुई है। अभियोग पक्ष ने कहा किसी सांसद के ऐसे बयान से समाज में क्या संदेश जाएगा। बचाव पक्ष ने अपील की कम से कम सजा दी जाए, जबकि अभियोग पक्ष ने कहा अधिक से अधिक सजा मिले। याचिकाकर्ता बीजेपी विधायक ने इसे सिर्फ मोदी सरनेम वालों का नहीं बल्कि गुजरात के बाहर भी इस वर्ग की जातियों का अपमान करार दिया। मोदी सरनेम के अपमान पर राहुल गांधी को सजा का ऐलान हुआ तो पॉलिटिकल घमासान भी तेज हो गया। कांग्रेस इस फैसले के विरोध में उतर आई। प्रदर्शन से लेकर बयानबाजी तक हर तरह से विरोध शुरू कर दिया गया। कांग्रेस की ट्विटर प्रोफाइल में राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई, संदेश लिखा गया डरो मत। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़े। इधर बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस के उन बयानों पर भी निशाना साधा जिसमें इस फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये निर्णय हुआ। जंग के बाद अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, इस सजा का राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर क्या असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई थी।
जिसमें कहा गया था 2 साल या ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। लेकिन जो सांसद या विधायक ऊपरी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी ने अदालत में यह भी कहा कि मेरा जो बयान था उससे किसी को हानि नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फाइनली अब ये बात तय हो चुकी है कि उनको 2 साल के लिए कन्विक्टेड हो चुके हैं। हालांकि अब इसके अलावा उनको जमानत मिल गई है और उच्च न्यायालय में जाने का उनका रास्ता अभी भी खुला हुआ है। राहुल गांधी को IPC की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे। सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि आपको 2 साल की सजा होती है तो उसमें कार्रवाई का प्रावधान है। अपील के लिए आपको वक्त मिलेगा जो स्टे करते हैं उसके बाद, वो समय सीमा खत्म होने के बाद। उसके बाद कई ऐसे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, होर्डिंग है, भारत के प्रतीकों का अपमान है, उसमें आपको सजा कुछ भी हो लेकिन आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अब ये निर्णय स्पीकर का है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। यानी इस पूरे मामले में राहुल गांधी की ऊपरी अदालतों में अपील के बाद जो फैसला आएगा वही राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी या जाएगी ये तय करेगा। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, सूरत।